नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला परदेसीपुरा क्षेत्र का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के जीवन की फेल का है। यहाँ के रहने वाले अंशु उर्फ नमन अपने घर में रहते था। उसने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और फंदे पर से शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। अंशु सियागंज क्षेत्र में हार्डवेयर की दुकान पर काम करता था। आत्महत्या करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। परदेसीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये आज दोपहर की बात है। अंशु उर्फ नमन ठाकुर करके 20 वर्षीय युवक है। ये जीवन की पहल में रहता है। इसके घर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये अंदर घर में फांसी लगा के और मृत हो गया है। जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने पाया कि उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो चुकी है और फांसी का फंदा लगाया हुआ था उसने, तो गले से कटवा के फांसी का फंदा उसको पीएम के लिए सब भेजा गया है। राहुल के बाद उसके लड़के के बारे में केवल ये पता चला है कि वो सियागंज में हार्डवेयर की दुकान पर काम करता है और शादी नहीं हुई है उसकी, खुद ही ने दरवाजा अंदर से लगा के सुसाइड किया है। इस मामले में क्या कारण थे ये जानना अभी बाकी है और इसका अभी जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिली, क्योंकि आज ही दोपहर में 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद 4 बजे पीएम के लिए रवाना कर दिया गया है और उस कमरे में कोई सुसाइड नोट अथवा मोबाइल में कोई नोट्स वगैरह अभी फिलहाल तक तो नहीं मिला है। आगे ऐसा जो भी कंटेंट इसमें आएंगे, जो भी तथ्य हमको पता चलेंगे, उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।